अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कल हमने इन स्टेप्स के हेडिंग्स, इनके नेम्स किए थे, आज हम उनकी डिटेल्स करेंगे। सबसे पहला स्टेप था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बेटे, इस स्टेप के अंदर बायोलॉजिस्ट या कोई भी जो ले पर्सन, यानी कि जो आम आदमी है, वो सबसे पहले देखता है कि असल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉब्लम है क्या, और वो प्रॉब्लम कहाँ पर है, और किस टाइमिंग के अंदर उसकी प्रोमिनेशन जो है वो ज़्यादा होती है। आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ईदर आस्क्ड बाय द सम वन और बाय दी साइंटिस्ट। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो कोई साइंटिस्ट ही हो तो उसी को समझ जा सकता है। कोई भी जो ले पर्सन है, को आम आदमी है, वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है ऑब्जर्व कर सकता है, उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद बेटे, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ के बारे में देखना या जानना। तो मोस्टली ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय दी फाइव सेंसेस। नंबर वन विजन, यानी कि किसी चीज़ को देखकर मुशाहिदा करना। हेयरिंग, यानी कि किसी कोई हमने कोई बात सुनी रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई उसका प्रॉब्लम सुना तो उससे भी हम सेंस कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मेल, टच और टेस्ट। उसके बाद बेटे, अगर हम ऑब्जर्वेशन की टाइप्स की तरफ जाएँ तो ऑब्जर्वेशन की मेनली दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब बेटे आपको पता है, हम जब भी किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और क्वांटिटी में जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं इतने पर्सन या इतनी ये चीज़ अच्छी थी और इतनी इसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी थी या इम्प्योरिटीज़ थी। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेड इन दी सेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जिनको हम लफ्ज़ों में बयान करते हैं ऑब्जर्वेशन को, वो क्वालिटेटिव है। और सेकंड, वो टाइप ऑब्जर्वेशन की जिसमें हम नंबर्स बताते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव है। फॉर एग्जांपल, हम क्वालिटी के हिसाब से कहते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से या फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है। दूसरे लफ्ज़ों में, जब हम वाटर की ही बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से और उसके फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से, इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन तो हम कहेंगे 100 सेल्सियस इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 सेल्सियस इज़ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमने यानी कि डिजिट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर बात की। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन। तो डेफिनेशन क्या है हाइपोथेसिस की? अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब है इनके रफ एस्टिमेशन, अंदाजन। जब हम कोई बात करते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशन इज कॉल हाइपोथेसिस। और एक अच्छे हाइपोथेसिस के अंदर कुछ फीचर होते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, सबसे पहले क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट होने चाहिए इनके। ऐसी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस हम इस तरह का कंस्ट्रक्ट करें कि जो जनरल हो, सबकी समझ में आने वाला हो। उसके बाद टेंटेटिव आइडिया, यानी कि हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल होना चाहिए, वो रफ सी एस्टिमेशंस होनी चाहिए, वो अंदाज़ा होना चाहिए, ये नहीं कि हमने कोई हतमी बात कर देनी है। उसके बाद इट इज़ एग्री विद दी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स कि जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की है हम हाइपोथेसिस के अंदर बताएं भी उसी चीज़ को। ये नहीं कि हम ऑब्जर्वेशन किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हैं और हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स हमारी उससे डिफरेंट है। एज सिंपल एज पॉसिबल। उसके बाद जो हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमने रफ एस्टिमेशंस दी हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी हैं, उनको टेस्ट भी किया जा सके, वो इनके एक्सपेरिमेंटेशन उनके ऊपर अप्लाई की जा सके। ये तो थे बेटे आज के हमारे लेक्चर के 3 स्टेप्स। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।